गोहाना की माथुराम हलवाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों द्वारा 37 राउंड फायर करने के बाद प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न करने पर गोहाना बंद का आह्वान किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश खुराना व्यापार मंडल की पूरी टीम के साथ वहां सम्मिलित हुए व प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने पर गहरा रोष प्रकट किया व उचित कार्रवाई न होने पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से हरियाणा बंद का आश्वासन दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। व्यापार मंडल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भाई 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी है और ये 36 बिरादरी की एक ही मांग है, आश्वासन नहीं न्याय दो, गुंडागर्दी बंद हो, दोषियों को सजा दो। तो ये जो मांग है ये समय की मांग है, क्योंकि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जितनी ढील दे चुकी है, इतनी ढील शायद दोषियों को किसी ने किसी तरह से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा अमन चैन का प्रदेश है, 36 बिरादरी यहाँ व्यापार करती है, इसलिए भाईचारा एकता कहो, व्यापारी एकता कहो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और हम यही चाहते हैं कि जिन दोषियों ने यह कार्रवाई, ये गोलीकांड हुआ है हरियाणा के अंदर, गोहाना जो कि मिठाई के नाम से मशहूर है, माथुराम की मिठाई, और उस मिठाई की दुकान के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई गोलियां चलाने का काम हुआ है, अमन चैन को भंग करने का काम किसी ने किया है, तो ऐसे दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की पूरी टीम यहां आई हुई है और भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, बजरंग दास गर्ग जी का ये हमारे को निर्देश है कि जैसा यहाँ की कमेटी फैसला लेगी, हम उनके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। फायरिंग हुई, इसके बाद मीटिंग की गई, आज क्या करना चाहोगे? 21 तारीख को फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो संतोषजनक कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। व्यापारियों में पूर्ण रूप से रोष है और इस रोष का परिणाम यह है कि आज पूरा गोहाना बंद है, और अगर अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा हरियाणा, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल पूरा हरियाणा बंद करने का आह्वान करेगा। और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग परसों यहां आए थे और किसी कारणवश आज वो किसी काम में संलिप्त थे, इसलिए नहीं आ पाए। परसों वो यहाँ आकर अगर कार्रवाई उचित नहीं हुई तो फिर संज्ञान लेंगे और हम पूरा हरियाणा बंद करने का काम करेंगे। एडवोकेट रमेश खुराना, प्रदेश महासचिव, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल। धन्यवाद। सभी गोहाना वासी, पहले तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि इस चीज के उसमें ना रहे, आपकी पुलिस आपके साथ नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस आपके साथ 24 घंटे है, और जैसा आप चाहते हैं वही इंतजाम उनके लिए होगा, अंजाम हम देंगे और उनको बिल्कुल पकड़ के आपके सामने लाएंगे। जिस तरह अभी तक मैंने बताया कि 3 गिरफ्तारी हुई है, आप थोड़ा सा समय दें, जो और भी गिरफ्तारियां हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। और पूरा कहीं भी आप ये ना सोचें कि पुलिस किसी तरफ से कोई चूक छोड़ेगी, किसी भी एंगल पे हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, हर एंगल से हम उन मुलजिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय और दें, सारे ही दोषियों को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे।